8 ऐसी गलतियाँ जिससे हाइट नहीं बढ़ती है। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों ने कोई ना कोई गलती की होगी जिससे आपकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है। दोस्तों, यदि आप यह वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपकी हाइट बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको यह वीडियो 101% मदद करेगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। नहीं तो आप मुझे कमेंट करोगे कि हमने सब कुछ कर लिया लेकिन हमारी हाइट नहीं बढ़ी है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। मैं जो भी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और आपने वह गलती की है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि हमने यह गलती की है। तो अब हम बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इसी तरह की जानकारी के लिए बगल की बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, यदि हम बात करें तो पहली गलती की तो वह है रनिंग और एक्सरसाइज न करना। बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं कि हम रनिंग करेंगे तो हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो मैं बता दूं दोस्तों, यदि आपकी हाइट कम है और हाइट बढ़ने में प्रॉब्लम है तो आपको रनिंग और एक्सरसाइज करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप रनिंग या एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी हाइट बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी को हिट नहीं करते हैं और यदि आपकी बॉडी हिट नहीं होगी तो खिंचाव नहीं आएगा। तो हाइट बढ़ाने के लिए आपकी बॉडी में खिंचाव लाना बहुत ही आवश्यक है। तो रनिंग के बाद हाइट बढ़ाने वाली एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हाइट तेजी से बढ़ेगी। अब दोस्तों, अब हम दूसरी गलती की बात करें तो वह है प्रॉपर नींद न लेना। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं कि वे रात में बहुत देर तक जागे रहते हैं, फोन यूज करते हैं, लेट तक नहीं सोते हैं, 12-1 बजे तक सोते हैं। तो दोस्तों, यदि आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो यह भी कारण आपकी हाइट न बढ़ने का हो सकता है, अर्थात हाइट बढ़ने में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जब हम अच्छी तरह से प्रॉपर सोते हैं तभी हमारी बॉडी में हाइट बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वह शुरू होती है। हमारे हार्मोन्स अच्छी तरह से काम करते हैं क्योंकि उसी समय हमारी बॉडी अच्छे से रिलैक्स होती है, क्योंकि दिन भर इतना काम करते हैं, हमारी बॉडी में इतना स्ट्रेस होता है तो उससे हमारी हाइट ग्रोथ नहीं हो पाती है। जब हम सोते हैं तो हमारी हाइट ग्रोथ तेजी से होती है। तो दोस्तों, आप याद रखें, आपकी हाइट कम है और आपकी हाइट ग्रोथ नहीं हो रही है तो प्रॉपर नींद आप जरूर लें। आप कम से कम 8 घंटे जरूर सोना। तो दोस्तों, इन बातों को आपको जरूर अमल करना है। तो दोस्तों, तीसरी गलती जो आप करते हैं, आपकी बॉडी का सही पोस्चर न होना, अर्थात बेड पोस्चर होना। कई लोग यह गलती करते हैं और आप भी यह गलती करते हैं। कई लोग बॉडी को झुकाकर चलते हैं, तो आपकी बॉडी कभी भी झुकी हुई नहीं होना चाहिए। आपको कभी चलना है या रनिंग भी करते हैं तो डाउन होकर करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम डाउन हो जाती है। तो आपकी हाइट अधिक है तो भी आपकी हाइट कम लगती है। तो आपको अपने चेस्ट ऊपर की ओर करके चलना है, और कहीं आप बैठते हैं और बैठना है तो आप सीधे नहीं बैठते हैं, तो यह भी एक गलती है जिससे आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। दोस्तों, चौथी आप जो गलती करते हैं, आप टाइम पर खाना नहीं खाते हैं। तो बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि उनका जब मन होता है वह खाना खा लेते हैं। कभी वे 10 बजे तो कभी वे 5 बजे खाना खा लेते हैं, रात को 10 से 12 बजे खाते हैं। तो यह गलती नहीं करना है। दोस्तों, आपको एक शेड्यूल बनाना है, एक टाइम बनाना है कि हमको इतने बजे तक खाना खा लेना है। यदि आप टाइम बना लेते हैं कि मुझे सुबह 8 बजे तक नाश्ता कर लेना है, यदि आप टाइम बना लेते हैं कि दिन का खाना हमें 2 बजे तक खाना है तो आप 2 बजे तक खा ले, रात का खाना आपको 8 से 9 के बीच में खा लेना है। तो यह प्रॉपर टाइम आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप अपनी बॉडी की ग्रोथ चाहते हैं, अपनी बॉडी को अच्छा दिखाना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, तो एक टाइम टेबल होना बहुत आवश्यक है। यदि आप टाइम टेबल बनाकर नहीं चलते हैं तो यह भी एक कारण हो सकता है बॉडी ग्रोथ रुकने का। तो इसे आप सुधार ले। पांचवी जो आप गलती करते हैं वो है अधिक फास्ट फूड का खाना। आप गलती यह करते हैं कि आप घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना खाते हैं, अधिक तेल का खाना नहीं खाना है, यह भी एक कारण होता है। दोस्तों, क्योंकि यदि आप तेल का अधिक प्रयोग करते हैं, तेल को अधिक खाते हैं, तो आपके पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। तो आपको पता है दोस्तों, आपका सारा जो कुछ भी है, ग्रोथ सिस्टम काम करता है, वह हमारे पेट से ही स्टार्ट होता है। तो हमारा पेट सही रहेगा तो हमारा सारा सिस्टम सही रहेगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है, आपको बाहर का नहीं खाना है और कम से कम खाने की कोशिश करना है, घर का खाना खाए। तो यह गलती आपको नहीं करना है। काफी लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वे ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं। तो इस गलती को ना करें और सुधारें। दोस्तों, छठी जो आप गलती करते हैं वो क्या है, आपका सही पोस्चर में न सोना। दोस्तों, आपको पता होगा हर एक इंसान का सोने का अलग तरीका होता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जब हम सोते हैं तभी हमारी हाइट इंक्रीज होती है, क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी को उसी समय रिलैक्स मिलता है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं, जब वे सोते हैं तो अपनी बॉडी को पूरा समेट कर सोते हैं। उससे यह होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वह टेढ़ी हो जाती है। तो हमारी हाइट जो रात में इंक्रीज होती है, तो उस टाइम पर दोस्तों हम इस तरह से सोते हैं तो हमारी हाइट बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है।
तो दोस्तों आप याद रखें कि जब भी आप सोए तो सीधे होकर सोए, क्योंकि आपके रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहेगी। तो यदि आप यह गलती करते हैं तो प्लीज इस गलती को सुधारें, तभी आपकी हाइट इंक्रीज होने में सहायता मिलेगी। दोस्तों यदि अब हम बात करें सातवीं गलती की, तो आप यह करते हैं, आप लेट तक सोते हैं। आप कहेंगे कि अच्छे से सोना और आप यह कह रहे हैं कि लेट तक नहीं सोना, तो इसमें काफी अंतर है। आप गलती यह करते हैं कि आप रात में देर तक जागते हैं और दिन में काफी लेट तक सोते रहते हैं। तो आप ही सोचिए, आप लेट तक उठते हैं तो आप कम फ्रेश दिखेंगे, कम खाना खाएंगे। यदि आप लेट उठेंगे तो कब आप फ्रेश होंगे, कब एक्सरसाइज करेंगे? और फिर आप कमेंट करते हैं कि हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है। तो दोस्तों आपको यह गलती नहीं करना है। तो दोस्तों आपको मॉर्निंग में आपको 5 से 6 बजे के बीच उठ जाना है। उठने के बाद आपको फ्रेश होकर रनिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, तभी आपकी हाइट इंक्रीज होगी। तो यह ध्यान रखो, आपको लेट तक नहीं सोना है। दोस्तों अब हम आठवीं गलती की बात करें, तो वह है ब्रह्मचर्य का नाश। दोस्तों ब्रह्मचर्य नाश करने से आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, क्योंकि अगर आप जो कुछ भी दिन भर में खाते हैं वह रात में निकाल देंगे तो आपके शरीर का विकास पूरी तरह से रुक जाएगा। इसीलिए अगर आप रोजाना ब्रह्मचर्य नाश करते हैं तो यह गलती भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों जिन लोगों की लंबाई अर्थात हाइट बढ़ना बिल्कुल रुक गई है, तो यह आयुर्वेदिक दवा उनकी लंबाई गारंटेड बढ़ाएगी। डिटेल वीडियो के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, डिस्क्रिप्शन में भी इसकी डिटेल वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी और आप इसे यहाँ एंड स्क्रीन में भी देख सकते हैं। और दोस्तों इस आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऑर्डर के लिए आप अपना नाम, पता व पिन कोड सेंड करें।